उत्तर प्रदेश में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आरपीएन सिंह बीजेपी के हो गए। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले जारी हुई कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का भी नाम शामिल था। जैसे कि मैंने कहा, जिस पार्टी में मैंने काम किया, ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। भारत निर्माण में, देश के निर्माण में कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री जी के रास्ते पे उनके सपने को साकार करने के लिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के डबल इंजन के साथ उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए, कानून व्यवस्था, बड़ी योजनाएं, बड़ी परियोजनाओं को पूरे आम गरीब शोषित पिछड़े आम जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर। खबर है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर के पजरौना सीट से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए थे। अब माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह के रूप में बीजेपी ने उनका काट ढूंढ लिया है। 25 अप्रैल 1964 को यूपी के पजरौना में जन्मे रतनजीत प्रताप नारायण सिंह उर्फ आरपीएन सिंह यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहने के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी के काफी करीबी भी रहे हैं। राजपूत समाज से आने वाले आरपीएन राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और पजरौना के राजा साहिब के नाम से मशहूर है। दून स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने वाले आरपीएन के पिता कुंवर सीपीएन सिंह कुशीनगर से सांसद और इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री रहे थे। करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय आरपीएन सिंह पहली बार साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर पजरौना से विधायक बने और फिर 2009 तक लगातार 3 बार इस सीट से जीतते रहे। साल 2009 में पार्टी ने उन्हें पजरौना से लोकसभा का टिकट दिया और आरपीएन चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। 2009 में जब दूसरी बार मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी तो आरपीएन को सड़क और परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2011 में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और फिर साल 2013 में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2014 और 2019 में मोदी लहर में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ आरपीएन भी चुनाव हार गए। अब उस पडरौना सीट का चुनावी गणित जान लेते हैं जहां से बीजेपी आरपीएन सिंह पर दांव खेल सकती है। पडरौना विधानसभा सीट कभी कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व की सीट हुआ करती थी। आरपीएन सिंह 3 दफा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उससे पहले उनके पिता भी इस सीट से विधायक रहे, लेकिन पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से यह सीट स्वामी प्रसाद मौर्य का मजबूत किला बन चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य 2 बार बसपा और 1 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बन चुके हैं और इस बार सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि पडरौना विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 84,000 मुस्लिम मतदाता है, 76,000 अनुसूचित जाति, 52,000 ब्राह्मण, 48,000 यादव, 46,000 सैंथवार और 44,000 कुशवाहा मतदाता है। मुस्लिम यादव गठजोड़ और स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति से जुड़ने की वजह से ये सीट इस बार सपा के लिए मुफीद बताई जा रही है। हालांकि आरपीएन सिंह के आने से खेल दिलचस्प बन सकता है। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।